अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप डुप्लीकेशन को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जहाँ से आप डुप्लीकेशन रिमूव करना चाहते हो, आप अपने डाटा की सिलेक्शन कर लो। ठीक है, यहाँ से डाटा में जाना है आपने, यहाँ से जाना है आपने, सॉरी ये रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको ये नेम यानी कि टेक्स्ट रिमूवल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये राशिद और ये अहमद की जो होगी ना, ये इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये मैं अगर यहाँ से नेम की सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो इसने जो ये नेम थे डुप्लीकेशन राशिद और अहमद, वो डुप्लीकेट रिमूवल कर दी। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सेल्स वाला कॉलम है ना, उसमें भी अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसे भी रिमूव कर दे। ठीक है, पहले हमने टेक्स्ट की चेक की है। ठीक है, अब हम उसकी चेक कर लेते हैं, डिजिट की, नंबर की। इसको अनसेलेक्ट ऑल करें। ठीक है, यहाँ से सेल पे क्लिक करें और ये इसने कहा कि वन डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव्ड, थ्री यानी कि ये थ्री जो हैं ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो ये तरीकाकार इस तरह से आप डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा मुझे फीडबैक देनी है। आज के लिए इतना ही है, शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।